أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ال أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا, آمنا وهم لا يفتنون अहसे हंस बन नासो हो हो क्या गुमान किया इंसानों ने नाश नाश है इन इंसानों की जमा अहसे हंस बन हो क्या गुमान किया क्या हिसाब किया इंसानों ने कि ये छोड़ दिए जाएंगे आई यकू क्या वो छोड़ दिए जाएंगे वो सिर्फ इतना कहने पर कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और वो नहीं आज़माए जाएंगे अभी आपके सामने आयत नंबर एक और दो की तलावत की गई अल अनकबूत से यह है उनतीसवीं सूरत पारा वही है बीसवां अमन खलक आज हम करेंगे एक से पाँच तक की तलावत तो आइए मायने देखते हैं तो हरूफ मुखात हैं जिसके मायने सिर्फ़ अल्लाह सुबहान तआला को ही मालूम है इसकी कोई तोजह कोई अभी तक सामने नहीं आई सो so, आसबन्नास क्या गुमान किया इंसानों ने कि यह कि छोड़ दिए जाएंगे वो सिर्फ इतना कहने पर कि ईमान लाए हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि जबान से आपने कह दिया हम ईमान लाए नहीं बल्कि आज़माए जाएंगे वलकत मिन वलकतफी फलाम्लाजीना सदकू फ़लाम फ़लायालमसदबी और यक़ीन आज़माया था हमने उन लोगों को जो उनसे पहले थे फिर परखेगा अल्लाह उन लोगों को जो सच्चे हैं और परखेगा ज़रूर उन लोगों को जो भी झूठे हैं सन परखेंगे। यानी जब हिसाब किताब का दिन आएगा तो उस दिन परख हो जाएगी कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं अम हसबल या मलून सयास बना सा माँ याह माँ क्या गुमान है उन मुनकरन को इनकार करने वाले लोगों को जो हरकतें कर रहे हैं वो ईमान वालों के ख़िलाफ़ कि वो बाज़ी ले जाएंगे हमसे बहुत ही बुरा कर रहे हैं बहुत ही बुरा बुरा है वो जो फ़ैसला कर रहे हैं इस वक्त वो कि ये समझे बैठे हैं मुनकरीन कि ये बात कि गलबा होगा उनका सो वो ये समझ रहे हैं कि वो इनको महकूम बना लेंगे उनका गलबा हो जाएगा लेकिन वो बिल्कुल ग़लत सोच रहे हैं बिल्कुल ग़लत समझ रहे हैं वो ईमान वालों के ख़िलाफ़ कभी भी गलबा नहीं पा सकेंगे आयत नंबर पाँच जल्ला जल जो शख्स उम्मीदवार हो मुलाकात का अल्लाह से यानी उसमें जवाबदेही का एहसास हो कि हाज़िर होना है उसको अल्लाह के सामने तो यकीनन वादा अल्लाह का पूरा होकर रहता है और वही है समीम सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला वह समी उम समी सुनने वाला हर बात को सुनने वाला अलीम हर बात को जानने वाला बेशक वही है असमीलिम सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला इस तरह आज हमने आयत नंबर एक से पाँच तक की तिलावत की यह है सूर्य अनकबूत अल कबूत उनतीसवीं सूरत पारा वही है बीसवा आज हम सूरतों के नाम दोहरा लेते हैं पहली सूरत हमने पढ़ी सूरह फातहा दूसरी सूरत हमने पढ़ी सूरह बकरा तीसरी सूरत का नाम आल इमरान चौथी सूरत सूरह नसा पाँचवीं सूरत अलमायदा छठी सूरत सूर नाम सातवीं सूरत सूरफ आठवीं सूरत शुरह अनफाल नवीं सूरत सूरह तोबा दसवीं सूरत सूरह योनस ग्यारहवीं सूरत सूर हूद बारहवीं सूरत सूर यूसुफ तेरहवीं सूरत सूरह राद चौदहवीं सूरत शुरह इब्राहिम पंद्रहवीं सूरत सूरहर सोलहवीं सूरत सूर नहल सतरवीं सूरत सूरह बनी इसराइल अठारहवीं सूरत सूरकफ उन्नीसवीं सूरत सूरह मरियम बीसवीं सूरत सूरह ताहा इक्कीसवीं सूरत सूरह अम्बिया बाईसवीं सूरत सूरह हज तेसवीं सूरत सूरह मोमिन चौबीसवीं सूरत सूरह नूर पच्चीसवीं सूरत सूरह फुरक़ान छब्बीसवीं सूरत शुरह श सत्ताईसवीं सूरत सूरह नमल अट्ठाईसवीं सूरत सूरह सूरास जिसको हमने कल ख़त्म किया और आज हम दाखिल हुए सूरह अनकबूत में उनतीसवीं सूरत सूरह अन इस तरह अब तक हमने अट्ठाईसवीं अट्ठाईस सूरतें ख़त्म की हैं और उनतीसवीं सूरत में दाखिल हुए हैं और पारा अभी हमारा चल रहा है बीसवाँ कुरान शरीफ़ में कुल तीस पारे हैं और हम बीसवें पारे में इस वक्त मौजूद हैं उनतीसवीं सूरत के साथ सूरह कबूत के साथ कुरान शरीफ को समझ कर पढ़िए आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए और अपने ज़िंदगी में कुरान सुन्नत को नाफिस कीजिए अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ने की तलकीन कीजिए यही जबता अखलाक और जब्ता हयात है और दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी सद्लाजी